हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। आस्था के महापर्व छठ पर व्रती महिलाओं ने उदयगामी सूर्य को अर्घ देकर अपने संतान की लंबी उम्र की कामना। एडीएम सिटी ने छठ पर्व को सकुशल संपन्न होने पर नगर वासियों को व्यक्त किया आभार। जिलाधिकारी ने किया धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण, लिया खरीद की स्थिति का जायजा, कहा किसानों के धान के मूल्य का समय से किया जाए भुगतान, न बरती जाए कोई कोताही। गघा थाना क्षेत्र के कोठा गांव निवासी 17 वर्षीय अमन साहनी की नदी में डूबने से हुई मौत, स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की मदद से शव बरामद, परिजनों को किया गया सुपुर्द। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ पर सकुशल हुआ संपन्न, व्रतियों ने सूर्य को अर्घ देकर की मंगल कामना, छठ माता की जय घोष से गुंजायमान हुआ माहौल। सूर्य उपासना के महापर्व पर तहसीलदार सदर ने पिपराई क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का किया भ्रमण, स्थिति पर बनाए रखी नजर। विश्व मात्स्यिकी दिवस पर राज्य मंत्री मत्स्य पशुधन एवं दुग्ध जयप्रकाश निषाद की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंडलीय गोष्ठी व कार्यशाला, मछुआरों के आय व उत्पादकता बढ़ाने तथा उनके उन्नयन पर हुई चर्चा। यातायात माह के तहत एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में धर्मशाला चौराहे पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, ऑटो चालकों को कोविड-19 की जारी गाइडलाइन और यातायात के नियमों के बारे में किया गया जागरूक। जिले में शनिवार को मिले 36 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,760। अब तक 317 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 388 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। छठ पर्व पर स्थापित छठ माता की प्रतिमा के विसर्जन को लेकर शनिवार को सोमवार तक किया गया रूट डाइवर्जन, सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा वर्जित। और पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई यूथ कांग्रेस के जिला कार्यकारिणी की बैठक, पंचायत स्तर पर युवाओं को जोड़कर संगठन को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा।